आइए तो आज देखते हैं भूलने की बीमारी, एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स, इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, नागपुर, पुणे, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा मिशन है। काफ़ी लोगों को भूलने की बीमारी होती है या भूल जाते हैं वो चीज़, और उसमें एमनेस्टिक डिसऑर्डर करके बीमारी का निदान या डायग्नोसिस किया जाता है। कोई एमनेस्टिक डिसऑर्डर है, भुलक्कड़पन की बीमारी। अब उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मेजर कारण ये है कि थायमिन डिफिशियंसी, उसको बोलते हैं कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम, मतलब विटामिन B1 की डिफिशियंसी यदि हो गई, विटामिन B1 की कमी खून में, तो ये भूलने की बीमारी हो जाती है। कभी कभी लोग हमारे पास में आते हैं, सिर्फ वो इंजेक्शन दे दिया B1 का तो अच्छे हो जाते। फिर दूसरा है खून में शुगर की कमी, कभी वो ज़्यादा डोज ले लेते हैं इंसुलिन का, डायबिटीज के पेशेंट है, गोलियों का डोज ज़्यादा ले लिया, या खाने में कम हो गया और इधर खून में शुगर कम हो गई, तो वो बीमारी आती, भुलक्कड़पन आ जाता है या भूलता नहीं, भूल जाता उस समय। कुछ लोगों को मस्तिष्क, मतलब भेजा जो है ब्रेन, उसकी बीमारी से कुछ लोगों को एमनेस्टिक डिसऑर्डर होती है, भूल जाते हैं। अभी उसमें क्या क्या हो सकती है? नंबर 1, समझो उसको डिमेंशिया हो सकता है। नंबर 2, झटके आना। नंबर 3, दिमाग की चोट, कोई चोट पहुंच गई, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया। नेक्स्ट, दिमाग में गठान हो गई। फिर नेक्स्ट, खून का न पहुंचना दिमाग में, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया समझो कुछ कारण से, या फिर ब्रेन के ऊपर सूजन आ गई, मस्तिष्क में सूजन आ गई तो ऐसा होता है, या मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई, समझो किसने फांसी ले लिया और कुछ सेकंड के लिए ऑक्सीजन कम पहुंच गया वहाँ, तो एकदम वो बाद में बच गया, तो भुलक्कड़पन की बीमारी आती है। इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को ऐसा ट्रांजिएंट, कुछ सेकंड के लिए एकदम उनको एमनेसिया आ जाता है, मतलब कुछ सेकंड के लिए वो एकदम मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ है, कौन सी जगह पे, लोगों को पहचानते नहीं, और कुछ सेकंड के बाद में वो अच्छे हो जाते एकदम क्लियरली, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया। और ये झटके जैसा लगता है, मतलब कुछ लोगों को झटके में भी ऐसा होता है, तो झटके से उसको निकालना पड़ता है कि झटके नहीं है, ये ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया है, मतलब कुछ समय के लिए भेजे का खून का सप्लाई जो है एकदम कम हो जाता है और एकदम उनको एमनेसिया हो जाता, भूल जाते एकदम कुछ सेकंड के लिए, अच्छे हो जाते बाद में। फिर शॉक ट्रीटमेंट के देने के बाद में, मतलब कुछ समय तक एमनेसिया आ जाता है, भूला, मतलब भुलक्कड़पन आ जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी में ऐसा होता है, शराब और जैसी नशीले चीज़ें खाने से ये भुलक्कड़पन आता है, और कुछ नींद की दवाइयाँ खाने से ऐसा होता है। तो जब भूलना है, इसमें होता क्या है कि नई चीज़ें वो सीख नहीं पाता व्यक्ति जल्दी जल्दी, या पुरानी जो चीज़ें सीखी हुई है उसको वह रिकॉल नहीं कर सकता, फिर से भुला नहीं सकता, याद नहीं कर सकता। इसमें होता क्या है, फिर धंधे पानी पे नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, काम में गया नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, व्यक्तिगत संबंधों में बाधा आती है। तो इसका डायग्नोसिस होना जरूरी है, क्या यह बीमारी पूरी अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके लिए उसके कारण तक हमको पहुंचना पड़ेगा। यदि विटामिन डिफिशियंसी है, B1 डिफिशियंसी, उसके कारण हो गया तो तुरंत अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मगर सर्जरी के कारण ऐसा हो गया तो मुश्किल है अच्छा होना। तो उसका निदान होना, डायग्नोसिस होना, और डायग्नोसिस के बारे में बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान हमको करना पड़ता है, जिसमें फिर वो व्यक्ति अच्छा होने में मदद हो जाती है, अच्छा होना जल्दी आसान हो जाता है। तो ये भुलक्कड़पना काफ़ी लोगों को आता होगा। आप जरूर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो बेल का आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।